नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कानपुर देहात के भोमनी सीओ ऑफिस का सुंदरीकरण कराया गया। पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी ने फीता काट कर कार्यालय का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि पूर्व में भोगनीपुर में संचालित सीओ ऑफिस की हालत काफी जर्जर थी। शिकायतकर्ताओं तक को बैठने की व्यवस्था नहीं थी, बारिश में तो हालात और खराब हो जाते थे। ऑफिस के बाहर भी स्थिति खराब ही थी, जिससे लोगों को सीओ ऑफिस पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। सीओ भोगनीपुर प्रभात कुमार ने तैनाती के बाद ऑफिस को दुरुस्त कराया और बाहर हो रही दिक्कतों को ठीक कराया। ऑफिस के मैदान में हरे भरे वृक्ष लगवाए और लोगों को बैठने की उत्तम व्यवस्था कराई। सीओ कार्यालय को सुंदर वातावरण में तैयार किया गया। आज उद्घाटन के समय पूरे सीओ कार्यालय को दुल्हन की तरह सजाया गया था। पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी ने भोगनीपुर सीओ ऑफिस का फीता काट कर उद्घाटन किया। इसके बाद पूरे कार्यालय का बारीकी से निरीक्षण किया। वहीं पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी ने बताया कि पहले सीओ कार्यालय काफी खराब हालत में था। लोग सीओ ऑफिस न जाकर मेरे यहाँ पहुँचते थे। अब सीओ प्रभात कुमार ने ऑफिस को भव्य बनवा दिया है, जिससे अब लोगों के आने में कोई दिक्कतें नहीं होगी। सीओ भूमिपुर कार्यालय की मरम्मत और सरकार का कार्य संपन्न हुआ है। पूर्व में यह कार्यालय बहुत अच्छी अवस्था में नहीं था। जब भूमिपुर प्रभात कुमार साहब यहाँ पहुंचे थे, फिर इन्होंने अपने संसाधनों से और जो सरकारी संसाधन होते हैं साथ ही नक्सलियों से और यहाँ पर अपने कार्यालय को भी बेहतर बनाया है। सार्वजनिकी कार्यालय को भी बना इस तरह आगंतुकों के लिए भी उनके बैठने के लिए व्यवस्था की गई है। साथ ही उनके पीने के लिए पेयजल की भी व्यवस्था कराई गई है। जो कार्यालय सामने को भी बेहतर बनाया गया। पूर्व में यहाँ पर कार्यालय काफ़ी गंदगी थी, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से इसको स्वच्छ सावधान के तहत भी इसको आप ले सकते हैं कि पूरे परिसर को स्वच्छ बना करके यहाँ का वातावरण बेहतर बना गया है, जिससे कि आगंतुकों को यहाँ पर आने में कोई कठिनाई ना हो और जो कार्यालय में लोग आए और जो भी अपनी बातें हैं सीधे मिठाई में जाकर पहले आने के बाद जनसभा यहाँ संभव।